लोकसभा चुनाव 2024 का रण खत्म हो चुका है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चुनाव अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए यादगार बन गया। सपा ने यूपी में शानदार प्रदर्शन करते हुए यूपी की 80 में से 37 लोकसभा सीट अपने नाम की है। ये बड़ी वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी अपने दम पर बहुमत तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में अब की बार जहां सपा ने यूपी में अपना नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं अब सपा चीफ अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की जोड़ी भी एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रही है। इस चुनाव में अखिलेश डिंपल समेत यादव परिवार के 5 सदस्य खड़े हुए थे। डिंपल ने मैनपुरी तो वहीं अखिलेश ने कन्नौज सीट से चुनाव जीता है। ऐसे में अब ये दोनों एक साथ ही लोकसभा सदस्य बनकर सदन में जा रहे हैं। यूपी के पहले ऐसे दंपत्ति होने जा रहे हैं जो एक ही पार्टी से चुनाव जीतकर एक साथ लोकसभा जा रहे हैं। इसके पहले 17वीं लोकसभा में भी अखिलेश और डिंपल लोकसभा सदस्य थे, लेकिन अलग अलग समय पर। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट पर जीत हासिल की थी, मगर इस दौरान कन्नौज से डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। फिर साल 2022 में डिंपल यादव ने मैनपुरी से उपचुनाव लड़ा और वहां से संसद पहुंची थी, मगर तब तक अखिलेश यादव सदन की सदस्यता छोड़ चुके थे। ऐसे में ये दोनों कभी एक साथ लोकसभा नहीं पहुंचे, मगर अब अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल एक साथ लोकसभा पहुंच रहे हैं। यूपी से पहली बार कोई दंपत्ति एक साथ सदन जा रहा है। अखिलेश डिंपल के पहले हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र भी एक साथ सदन पहुंच चुके हैं, मगर दोनों अलग अलग सदनों का हिस्सा रहे थे। जहां हेमा मालिनी राज्यसभा सांसद थी, तो वहीं धर्मेंद्र उस दौरान लोकसभा पहुंचे थे। इसके अलावा बिहार के नेता पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी एक साथ दो दो बार लोकसभा जा चुके हैं। साल 2004 और 2014 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने जीत हासिल की और सदन पहुंचे, मगर इन दोनों की पार्टियां अलग अलग थी। ऐसे में इस बार अखिलेश डिंपल के लिए ये जीत और भी खास बन गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।